कार्टेशियन प्रोडक्ट, हेडिंग डालो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? देखो, ए में अगर मेरे पास रेड बॉल है और ब्लू कलर की बॉल है, और बी सेट में मेरे पास बैग वन पड़ा है, बैग टू पड़ा है, ठीक है? तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या क्या हो सकती हैं? रेड बॉल हो सकता है बैग वन से हो, ठीक है? रेड बॉल हो सकता है बैग टू से हो, ब्लू बॉल बैग वन से हो, और ब्लू बॉल बैग टू से हो, यही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट विल गिव यू पॉसिबिलिटीज, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कॉमा वाई, सच दैट पहला एलिमेंट पहले को बिलोंग करेगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। लास्ट टाइम इसके क्वेश्चंस दो, आई थिंक सब दो या तीन आए हुए थे, ये बेसिक है रिलेशन का, ठीक है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट गिव्स यू ऑल द पॉसिबिलिटीज की क्या क्या हो सकता है, और उसमें कैसे एलिमेंट आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स, पहला एलिमेंट पहले का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे का होगा, ठीक है? ओके, अब करें आगे। अब एक चीज देखो, अब इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, दो, और इसमें भी कितने हैं, दो, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने आ रहे हैं, चार। तो अगर एक सेट की कार्डिनेलिटी एन है और दूसरे सेट की कार्डिनेलिटी एम है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, एम एन, ठीक है? क्लियर है? ये फॉर्मूला लिख लो, ये तुम्हें क्या देगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। आगे करें, चलो नेक्स्ट देखो। अब जो ऑर्डर्ड पेयर तुम लिख रहे हो, ये ऑर्डर्ड पेयर कब बराबर होते हैं, कब होते हैं, जब पहला एलिमेंट पहले के बराबर हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर। 2.3 और इसी के तो इक्वल नहीं हो सकता ना, अगर मैं एक्स पे 2 है वाई पे 3 है तो ये एक ही है सिंगल। दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल हो सकते हैं, जब ये दोनों आपस में बराबर हो, मतलब एलिमेंट ही सेम है तभी, अदरवाइज कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अब देखो एक और चीज यहाँ पर, अभी मुझे सेट गिवन थे तो मैंने क्रॉस निकाला था, अब मुझे अगर क्रॉस गिवन हो तो आप सेट भी निकाल सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि मुझे ए क्रॉस बी में 1 1 2 3 और 2 4 ये एलिमेंट्स दे रखे हैं, और वो बोल रहे हैं कि ए क्रॉस बी के बाकी एलिमेंट्स निकालो। तो ए में एलिमेंट्स कौन कौन से पड़े हैं, जो स्टार्टिंग वाले हैं, क्योंकि पहले ए है ना, तो जो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट है वो सारे क्या है, एक है, तो ए में क्या है, 1 2, ठीक है? अब जो दूसरे बी में एलिमेंट्स है वो क्या है, 1 3 और 4, जो बाद वाले हैं वो सेट बी के हैं, ठीक है? क्लियर है? अगर यहाँ पहले बी लिखा होता तो पहले बी के एलिमेंट आते, पीछे ए लिखा होता तो ए के, जो पहले लिखा पहले उसके एलिमेंट आएंगे। अब ए क्रॉस बी निकालो, देखो क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 1 का 1 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 4, 2 1, 2 3 और 2 4, यही आएंगे। तो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स यहाँ से निकल गए ना, ये लास्ट टाइम पेपर में क्वेश्चन आया था, तो करके दिखाओगे। तुम्हें ए क्रॉस बी के तीन एलिमेंट दिए हुए थे, तीन और निकालने थे, ऐसे ही था सेम। नहीं, वो सेट वो थोड़ा डिफरेंट था लिखने का वे, ये क्लियर है तुम्हें? अगर एक ए बी है तो क्रॉस पे जा सकते हो, क्रॉस है तो ए बी पे जा सकते हो, तो वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? अब जैसे देखो, अभी मैं बात कर रही हूँ आर क्रॉस आर, दो बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा। अगर आप तीन बार कर रहे हो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आपके पास एक ट्रिपलेट आएगा, जिसको हम एक्स वाई जेड बोलते हैं, 3D में चले जाओगे, दिस इज ऑर्डर ट्रिपलेट। चार बार कर रहे हो तो ऑर्डर्ड या फोर टपल बोलते हैं इसको, ये 3 टपल, ये 2 टपल, मतलब जितने भी नंबर हैं, ठीक है, उतने आएंगे। क्लियर? ओके, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 16 एलिमेंट्स, अमंग विच आर 0.2 एंड 1.3, जिसमें से आपको दो एलिमेंट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम टू सेम सेट भी जा सकता है, ए क्रॉस बी की बजाय ए से ए तक भी जा सकता है, ठीक है?
आपको ये एलिमेंट दिए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? तो ये है, इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन सेट ए. क्या आप सेट ए निकाल सकते हो अगर आपको एलिमेंट्स गिवन है? एंड ए क्रॉस ए कंटेन्स द एलिमेंट पी कॉमा टू. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, थ्री बोथ, नाइदर. अब देखो, आपको क्या बोल रहे हैं कि वो ए क्रॉस ए के आपको कुछ दो एलिमेंट दिए हुए हैं. कौन कौन से दिए हुए हैं? 0.2 एंड 1.3. ठीक है, आपको बाकी एलिमेंट निकालने हैं, तो मुझे चारों, क्योंकि दोनों ही सेट ए के हैं. अब ए से ए पे जाना है, ये भी सेट ये है, दूसरा भी सेट यही है, 0.1.2.3. ठीक है, तो ए क्रॉस बी में कैसे, ए क्रॉस ए में कैसे एलिमेंट आएंगे? तो ठीक है, अभी पहले मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलूंगी. तो इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन सेट ए 0 का इस सब के साथ, फिर 1 का इन सब के साथ, 2 का, तो 16 एलिमेंट्स बनेंगे. ठीक बोल रहा है वो? तो एक ए डिटरमाइन कर लिया ना हमने सेट ए, तो ये ठीक है. ए क्रॉस ए कंटेन द एलिमेंट 3.2. क्या 3.2 एलिमेंट होगा? होगा, तो वो भी ठीक बोल रहा है, तो दूसरी भी स्टेटमेंट ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट.